राजमिस्त्री का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। चिरकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनार डंगल निवासी अजय रविदास का शव बुधवार की सुबह हाड़ी बस्ती में पाए जाने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना जंगल में आग लगने की तरह फैल गई। देखते ही देखते सैकड़ों लोग घटना स्थल के समीप इकट्ठा हो गए तथा इसकी पहचान अजय रविदास के रूप में हुई। वहीं घटना की सूचना पर चिरकुंडा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेजने की प्रक्रिया में जुट गई। मृतक के परिजन ने बताया कि अजय रविदास राजमिस्त्री का काम करता था और रोजाना शराब का सेवन करता था। शराब सेवन के दौरान बीच बीच में उसे साथियों के साथ मारपीट हुआ करती थी। हम सबों को पूरा संदेह है कि अजय की मौत शराब पीने के दौरान इसी बात को लेकर मारपीट से हुई होगी, जिसमें इसकी हत्या कर दी गई। मृतक मंगलवार की शाम से घर से गायब था। वहीं चिरकुंडा पुलिस ने बताया कि प्रभारी की सूचना पर आया तो देखा कि खेत में एक शव पड़ा हुआ है। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी हत्या कर किसी ने फेंक दिया, जिसे पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेजा जा रहा है। अब रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। वैसे पुलिस हर बिंदुओं पर जांच करेगी। सर, राजमिस्त्री काम करता रहा, उसको पिला खिला को जरूर मार कर नल्ला में फेंक दिया। आपको कब मालूम चला? हमको सुबह मालूम चला है। क्या मालूम? छोटा भाई आया, मेरा पिताजी आया रहा खोजने के लिए, नहीं मिला। उसके बाद मेरा पापा देखा है। कब से घर से लापता? कल सुबह से गायब है, कल दिन भर भी नहीं रहा। क्या नाम है? नाम क्या है? किसका? मेरा भाई का, अजय। पिताजी का क्या नाम? पिता नाम है राजू रविदास। कहाँ रहते हो? हम लोग सोनार डंगल में। सूचना मिला तो हमेशा उसका संग लड़ाई झगड़ा होते रहता, पीखा के हमेशा हमको बोलता है दीदी इससे झगड़ा हुआ, उससे झगड़ा हुआ है। अभी देखने से क्या लग रहा है? हमको लग रहा है कोई इसको दुश्मनी जैसा किया है, मार को फेंका है। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग कोई विचार लगाइए कुछ भी। क्या पूरा नाम क्या बताया इसका लड़का? इसका अजय रविदास है। अजय, थाना प्रभार के माध्यम से सूचना मिला कि यहाँ तीन नंबर चढ़ाई मंडल लेवल के पास में एक लाश मिला हुआ है। उस सूचना पर हम लोग यहाँ पर आए, देखे बड़ी भीड़ था। लाश को देखने से प्रथम दृष्टिया में हम लोग को यही लग रहा है कि इसके साथ मारपीट किया गया है, और बाकी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर होगा। क्या लग रहा है सब यहाँ कब से, मतलब कब तक, कितना दिन से यहाँ पड़ा? देखिए, लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि कल से वो गैप था। आप ये तो हम लोग कैसे बता सकते हैं, ये तो पोस्टमार्टम होने के बाद ही क्लियर हो जाएगा। शरीर में कुछ मतलब मारने का कोई है? हाँ, दिखने से तो लग रहा है कि मारपीट करने का चोट लग रहा है। क्या नाम बोला? ये सोनार डंगल का है, तो अजय रविदास करके बता रहा है। बॉडी पंचनामा कर कहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेज देंगे हम लोग इस, और उसके बाद जिससे होगा आगे कार्रवाई करेंगे हम लोग।